बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ एरर्स में एरर की पहली टाइप सिंटैक्स एरर की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम एरर की मज़ीद टाइप्स के बारे में आपको बताएंगे, जिसके अंदर हम लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों, लॉजिकल एरर क्या होता है? द लॉजिकल एरर अपीयर्स ड्यू टू द प्रोग्राम्स लॉजिक। यानी लॉजिकल एरर इस तरह के एरर्स होते हैं जो कि प्रोग्रामर की गलत लॉजिक की वजह से अपेयर होते हैं। जैसे मान लें, आप एक कैलकुलेटर बना रहे हैं जिसमें आप दो नंबर्स को सम करवा रहे हैं और वहां आप फॉर्मूले में प्लस की जगह माइनस लिख देते हैं, तो ये एरर कहलाएगा लॉजिकल एरर, क्योंकि इसमें प्रोग्रामर ने लॉजिक गलत लिखी होती है। लेकिन दोस्तों, इस एरर का एक नुकसान ये है कि इसको आपका कंपाइलर भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। और ये देखिए, द कंप्यूटर एक्चुअली डज नॉट नो दैट एन एरर हैज बीन मेड। इट फॉलोज द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड आउटपुट द रिजल्ट, बट द आउटपुट इज नॉट करेक्ट। यानी अगर आपके प्रोग्राम में कोई लॉजिकल एरर है तो कंप्यूटर उसको ढूंढ नहीं सकता, विच मीन्स कि जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो किसी किस्म का कोई एरर आपके प्रोग्राम में शो नहीं होगा। और फिर जब आप अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तब जाकर आपको पता चलेगा कि मेरे प्रोग्राम में एरर है, क्योंकि प्रोग्राम का रिजल्ट वो नहीं होगा जो आपने एक्सपेक्ट किया होगा। यानी जब भी आपका प्रोग्राम आपको करेक्ट आंसर नहीं दे रहा होता, विच मीन्स कि आपके प्रोग्राम में कोई लॉजिकल एरर मौजूद है। और ये देखिए, सच अ प्रोग्राम विल रन प्रॉपरली बट गिवन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें कंपाइलर भी आपके एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकता, तो अगर प्रोग्राम में कोई लॉजिकल एरर मौजूद है तो प्रोग्रामर को खुद से बार बार प्रोग्राम को थॉरली ऑब्जर्व करना होगा उस एरर को डिटेक्ट और फिर रिमूव करने के लिए। इसीलिए इस तरह के एरर्स प्रोग्राम्स के लिए परेशानी का बाइस बन जाते हैं, क्योंकि इनको डिटेक्ट और फिर रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आइए फिर एक प्रोग्राम के थ्रू आपको लॉजिकल एरर को डिटेक्ट करना और रिमूव करना सीख। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपके सामने एक प्रोग्राम है जो कि सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और ये प्रोग्राम क्या है, किस तरह काम कर रहा है, अभी हम इस पर फोकस नहीं करेंगे, बल्कि इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको ये बताएंगे कि आपके प्रोग्राम में लॉजिकल एरर किस तरह आते हैं और आप उसको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ हमने दो नंबर्स को ऐड करने के लिए ये प्रोग्राम लिखा है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब हम किसी भी दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका रिजल्ट उन दोनों नंबर्स को जिनको हमने ऐड किया होता है उन दोनों नंबर्स से बड़ा होता है। अब आइए हम देखते हैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करके कि आया जो रिजल्ट हमने एक्सपेक्ट किया है, क्या वही रिजल्ट आ रहा है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ पर इसको कंपाइल करेंगे और कंपाइल करने पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपको किसी किस्म का कोई एरर शो नहीं कर रहा और एरर्स में ये आपको जीरो दिखा रहा है, विच मीन्स कि यहाँ कोई एरर नहीं है। अब हम इसको रन करेंगे और रन करने के बाद यहाँ पर हम दो नंबर्स को इनपुट देंगे। सबसे पहले हमने नंबर को इनपुट दिया है 5 को और उसके बाद हमने इसको इनपुट दिया है 4 को। तो हमने ये जो दो नंबर्स को इनपुट दिया है, अब इनका जो रिजल्ट है वो इन दोनों नंबर्स से बड़ा होना चाहिए, विच मीन्स के 5 + 4 = 9, तो इसका रिजल्ट 9 होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये देखिए, इसका रिजल्ट वो नहीं आया जो हमने एक्सपेक्ट किया था, जो हमने सोचा था, विच मीन्स कि इस प्रोग्राम में कोई लॉजिकल एरर मौजूद है। तो इसको रिमूव करने के लिए अब प्रोग्रामर को क्या करना होगा दोस्तों, क्योंकि इसको आपका कंपाइलर भी इस एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकता, तो इसके लिए प्रोग्रामर को पूरे प्रोग्राम को थॉरली रीड करना होगा, थॉरली चेक करना होगा। अब प्रोग्रामर यानी आप वन बाय वन इसकी स्टेटमेंट्स को रीड करते जाएंगे, देखते जाएंगे। और यहाँ आप ये देखिए कि हमने यहाँ पर सम का फॉर्मूला गलत लगाया है। यहाँ पर सम का फॉर्मूला होता है नंबर 1 + नंबर 2। यानी जब भी हम किसी दो नंबर्स को सम करवाना चाहते हैं तो उनके दरमियान में हम प्लस लिखते हैं, तो हम यहाँ पर इसकी जगह लिख देंगे प्लस। ये देखिए, हमने यहाँ पर ये प्लस लिख दिया। अब विच मीन्स कि ये हमने लॉजिकल एरर को पहले डिटेक्ट किया और अब हम इसको फिर हमने रिमूव किया। तो इस तरह से दोस्तों,
आप अपने प्रोग्राम में, अगर आपके प्रोग्राम में कोई लॉजिकल एरर आ रहा है तो उसका पता आपको उसके रिजल्ट के आने के बाद चलता है, क्योंकि उसका रिजल्ट वो नहीं आता जो आपने एक्सपेक्ट किया होता है। और उसको रिमूव करने के लिए आपको पूरे प्रोग्राम को थॉरली चेक करना होगा। और आमतौर पर ये हम गलती फॉर्मूलाज में करते हैं, फॉर्मूलाज में हम गलत सिंबल्स लगा देते हैं, गलत अल्फाबेट्स को आपस में प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी ये एरर अकर हो जाता है। तो ये था लॉजिकल एरर। इसके बाद रन टाइम एरर। दोस्तों, द रन टाइम एरर अकर्स व्हेन अ प्रोग्राम इज रन ऑन द कंप्यूटर एंड द रिजल्ट्स आर नॉट अचीव्ड ड्यू टू सम मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन। यानी जिस तरह सिंटेक्स एरर को का पता कंपाइलेशन के वक्त चलता है, तो कंपाइलेशन के दौरान ही आपको बता देता है कि आपने अपने प्रोग्राम में ये गलतियां की हैं। लॉजिकल एरर का प्रोग्राम के रन होने के बाद, जबकि रन टाइम एरर इस तरह के एरर्स होते हैं जो कि जब आपको आपका प्रोग्राम पूरा कंपाइल हो जाता है और कंपाइल होने के बाद जब आप उसको रन करते हैं तब जो एरर अकर होता है, तब जो एरर आता है वो कहलाता है रन टाइम एरर, क्योंकि ये प्रोग्राम के रन होने के दौरान आता है और इस एरर की वजह से आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाता है और किसी किस्म का कोई रिजल्ट जनरेट नहीं कर पाता, तो ये जो एरर है ये कहलाता है रन टाइम एरर। लेकिन फ्रेंड्स, सवाल ये उठता है कि ये एरर आता क्यों है। तो फ्रेंड्स, जब आप कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं अपने प्रोग्राम में जिसको कंप्यूटर खुद भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, तो रन टाइम एरर अकर होता है। जैसे अगर आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर देते हैं तो ये एरर अकर होता है। इसी तरह अगर आप किसी ऐसी फाइल्स को सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के जरिए ओपन करना चाहते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो कि मौजूद ही नहीं है आपके कंप्यूटर में, तो तब भी ये एरर अकर होता है। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि आपके प्रोग्राम में रन टाइम एरर किस तरह से अकर होता है। दोस्तों, यहाँ आपके सामने एक प्रोग्राम मौजूद है। ये क्या है, किस तरह से काम कर रहा है, अभी हम इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हमारा तमाम फोकस ये है कि इस प्रोग्राम में मौजूद रन टाइम एरर को डिटेक्ट करना। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि रन टाइम एरर किसी वजूहात की वजह से अकर होता है, जैसे अगर आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर देते हैं, किसी इस तरह की फाइल्स को आप ओपन करना चाहते हैं जो कि आपके कंप्यूटर में मौजूद नहीं है, तो तब भी ये एरर अकर होता है। यानी जब आपका कंप्यूटर खुद ही अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि आपने उसको क्या इंस्ट्रक्शन दी है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जिसके अंदर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करना चाह रहे हैं और डिवाइड करने के बाद ये आपको रिजल्ट शो करेगा। तो मैं सबसे पहले इसको कंपाइल करूंगी और कंपाइल करने पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई एरर शो नहीं हुआ है। इसके बाद मैं इसको रन करूंगी और रन करने पर ये मुझसे इनपुट मांग रहा है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले वो नंबर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर 8 नंबर देती हूँ और 8 को मैं किस नंबर से डिवाइड करवाना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 से डिवाइड करना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर 2 इनपुट दे दिया। तो आप ये देखिए कि इसका रिजल्ट शो होना चाहिए 4। ये आप देख सकते हैं कि जब हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आया है 4। अब दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर 2 की जगह 0 दे देती हूँ, तब आपका कंपाइलर क्या करेगा। तो मैं दोबारा से इसको कंपाइल करूंगी, कंपाइल करने के बाद इसको रन करूंगी और रन करने पर इनपुट में मैं इसको दूंगी 8 और 8 को मैं डिवाइड करना चाहती हूँ 0 से। अब जब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगी तो आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कंप्यूटर की मेमोरी में ही नहीं है कि जब इस तरह से हो, यानी हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करें तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, तो आपका प्रोग्राम ही क्रैश हो जाएगा। तो ये देखिए कि मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया तो आपको यहाँ पर किसी किस्म का कोई रिजल्ट शो नहीं हो रहा, विच मीन्स कि आपका प्रोग्राम बंद हो गया है, क्रैश हो गया है। तो इस तरह के एरर्स कहलाते हैं रन टाइम एरर, जो कि ड्यूरिंग रनिंग द प्रोग्राम, यानी कंपाइलेशन के बाद जब आपका प्रोग्राम रन हो जा रहा होता है तब ये एरर अकर होता है, जिसकी वजह से आपका पूरा प्रोग्राम ही रुक जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर और सिंटेक्स एरर। अगले लेक्चर में हम आपको डीबगिंग प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि किस तरह से प्रोग्रामर इन तमाम एरर्स को डिटेक्ट और फिर रिमूव करता है अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू। तो दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।